الدين الخالد. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم معزز حاضرین, محترم بزرگوں, نوجوان بھائیوں, پیارے بچوں, آج کا یہ پروگرام در حقیقت ہمارے بڑے معزز مہمان شیخ نیاز احمد سنابلی حفظہ اللہ, جو ہمارے اور آپ کے درمیان ممبئی سے چل کر کے تشریف لائے ہیں, آج کی یہ مجلس سچ پوچھئے تو انہی کے لیے سجائی گئی. میں بس ان کا ساتھ دینے کے لیے آپ کے درمیان حاضر ہوا ہوں. آپ جانتے ہیں یہ ذوالحجہ کا مہینہ چل رہا ہے, اس کا پہلا عشرہ شروع ہو چکا ہے, اور اسی عشرے کی 10 تاریخ کو انشاءاللہ ہم اور آپ اپنے اپنے جانوروں کی قربانی اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں. میرے بھائیوں, یہ جو قربانی ہم کریں گے, اس قربانی کے پیچھے ایک بہت بہت بڑا واقعہ ہے. یہ قربانی ایک عظیم باپ کی اپنے عظیم بیٹے کی قربانی کی یادگار ہے, اور اس عظیم باپ کا نام ہے ابراہیم
और उसके अजीम बेटे का नाम है इस्माइल। कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला ने कई मकामात पर जब हजरत इब्राहिम का नाम लिया तो अल्लाह ताला ने एक चीज इब्राहिम अलैहिस्सलाम के नाम के साथ बयान की कि वो मुस्लिम थे। ये अल्लाह ताला बार बार अपने इस नबी के नाम के साथ मुस्लिम क्यों ला रहा है, ये सोचने वाली बात है। भाई मुस्लिम का मतलब क्या होता है? इस्लाम लाने वाला, सर झुका देने वाला, सरेंडर करने वाला, अपने आप को किसी के हवाले कर देने वाला, ये सारे माना जो है वो मुस्लिम के अंदर पाए जाते हैं। तो अल्लाह ताला बार बार ये क्यों कह रहा है कि इब्राहिम मुस्लिम थे? भाई कोई ये तो नहीं कह रहा है वो गैर मुस्लिम थे। अल्लाह ताला बार बार उनके इस्लाम की गवाही क्यों दे रहा है? असल में अल्लाह ताला ये बताना चाहता है कि मेरे बंदो, ये कुरान में हम जो इस्लाम पेश कर रहे हैं, तुम्हारे सामने इस्लाम बता रहे हैं, इस्लाम को अगर प्रैक्टिकल देखना हो, इस्लाम किसको कहते हैं? भाई एक टीचर है स्कूल में पढ़ा रहा है, पढ़ाने के दो तरीके होते हैं, एक तरीके को थियरी बोलते हैं और एक तरीके को प्रैक्टिकल बोलते हैं। थियरी का मतलब है लिखवा दिया, बता दिया, समझा दिया, सिखा दिया। प्रैक्टिकल का मतलब करके बताया। इब्राहिम इस्लाम का प्रैक्टिकल है, इस्लाम क्या है ये इब्राहिम से। इस्लाम कुर्बानी है मेरे भाई, पूरा इस्लाम कुर्बानी है, कुर्बानी के बगैर मुसलमान हो ही नहीं सकते आप। यहां मस्जिद में हम और आप बैठे हैं, जाहिर है कि यहां पैसा तो नहीं बढ़ रहा है, आप यहां बैठे हैं, मेरी तकरीर सुनेंगे, शेख नियाज साहब की तकरीर सुनेंगे, एक घंटा सवा घंटा जो भी प्रोग्राम चले, ये एक मोहब्बत आपको खींच के लाई है कि भाई मस्जिद में प्रोग्राम है, अल्लाह रसूल की बात हो रही है, दीन की बात हो रही है, चलो थोड़ा टाइम अल्लाह के दीन के लिए भी लगाते। ये कुर्बानी है। लोग अपने घरों में बैठ के मोबाइल में मस्त हैं, टीवी में मस्त हैं, अपनी जिंदगी जी रहे हैं, आप मस्जिद में आके बैठे, आपने अपने टाइम की कुर्बानी दी। फजर की अजान हो रही है, मुअज्जिन कह रहा है अस्सलातु खैरु मिनन नौम, नमाज नींद से बेहतर है। अल्लाह के लाखों बंदे बिस्तर पे आराम से सोए हुए हैं, ये अल्लाह के चंद दीवाने बंदों को क्या पड़ी है कि सुबह के 4 बजे 4:15 बजे आंखें मलते हुए अपनी नींद को कुर्बान करते हुए वजू करके मस्जिद में आके अल्लाह की बारगाह में सर झुका है। ये फजर की नमाज नींद की कुर्बानी है, ये 5 टाइम की नमाज अल्लाह को राजी करने के लिए अपने वक्त की कुर्बानी है, ये रमजान का रोजा अपनी ख्वाहिशात की कुर्बानी है, भूख लगी है, प्यास लगी है, नहीं खाते नहीं पीते, ये जकात और सदका का सिस्टम, ये माल की कुर्बानी है। भाई इंसान तो माल से बहुत मोहब्बत करता है, चमड़ी चली जाए दमड़ी ना जाए, मगर अल्लाह ने कहा नहीं, 1 करोड़ कमा रहे हो ना, चलो 2.5 लाख हमारी राह में खर्च करो, 2.5 लाख देना है तुमको। बंदा दे रहा है, कुर्बानी दे रहा है। तो इस्लाम पूरा का पूरा कुर्बानी है, कुर्बानी के बगैर आप मुसलमान नहीं हो सकते, कुर्बानी के बगैर आप जन्नत में नहीं जा सकते। अगर आप यह सोचें कि मेरा जो मन चलेगा मैं वो करूंगा, मेरा जहां जी चाहेगा वहां जाऊंगा, जो खाने का जी चाहेगा वो खाऊंगा, जो करने का जी चाहेगा वो करूंगा, आप जन्नत में नहीं जा सकते।
जन्नत में जाने के लिए ख्वाहिशात को कुर्बान करना पड़ेगा, अपनी इच्छाओं को दबाना पड़ेगा, अपनी डिजायर्स को कंट्रोल करना पड़ेगा। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हुफ्फतिल जन्नतु बिल मकारिह व हुफ्फतिन नारु बिश शहवात। जन्नत में जाना है तो शहवतों को छोड़ दो, ख्वाहिशात। जन्नत में जाना है तो वो करो जो अल्लाह को पसंद है, वो मत करो जो तुम्हें पसंद है। इब्राहिम की जिंदगी इसी का नाम है मेरे भाई। इब्राहिम अल्लाह के लिए जीते हैं, अल्लाह के लिए मरते हैं। इब्राहिम ने अल्लाह के लिए बाप को छोड़ा, अल्लाह के लिए वतन को छोड़ा, अल्लाह के लिए कौम को छोड़ा, अल्लाह के लिए आग में डाले गए, अल्लाह के लिए अपने दूध पीते बच्चे को मक्का छोड़ के चले आए, अल्लाह के लिए अपने जवान बेटे की कुर्बानी के लिए तैयार हो गए। तो इब्राहिम इस्लाम का प्रैक्टिकल है, इसीलिए अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के 14वें पारे में सूरतुन नहल की आयत नंबर 120 और 121 में दो आयतों में, सिर्फ दो आयतों में अल्लाह ताला ने इब्राहिम का पूरा इंट्रोडक्शन करा दिया, इब्राहिम का तारुफ करा। इन इब्राहिम कान उम्मतन कानितन लिल्लाह। ओ लोगों, मेरा बंदा इब्राहिम तो अकेले एक उम्मत के बराबर है, एक पूरी कम्युनिटी के बराबर है, एक कौम के बराबर है। एक कौम के अंदर जितना ईमान होता है, एक उम्मत के अंदर जितनी तौहीद होती है, एक उम्मत के अंदर जितना अल्लाह के दीन के लिए कुर्बानी का जज्बा होता है, वो अकेले मेरे बंदे इब्राहिम के अंदर है। इब्राहिम अकेला है पूरी उम्मत के बराबर है। कानितन लिल्लाह, और मेरा बंदा इब्राहिम मेरा फरमा बरदार है। जब भी मेरा हुक्म आया, इब्राहिम की गर्दन झुक गई, इब्राहिम के माथे पर बल ना आया, इब्राहिम अल्लाह का फरमा बरदार है। कानितन लिल्लाह। मक्का वाले कहते थे, हम इब्राहिम के मानने वाले। अल्लाह ने कहा, शर्म करो, तुम इब्राहिम के मानने वाले हो? 360 पत्थर के बुत बना के उनकी इबादत करते हो और कहते हो हम इब्राहिम के मानने वाले हैं, शर्म करो। वलम यकु मिनल मुशरिकीन, मेरा इब्राहिम मुशरिक नहीं था। इब्राहिम एक उम्मत के बराबर हैं, इब्राहिम अल्लाह के फरमा बरदार हैं, इब्राहिम मुशरिक नहीं है। उसके बाद कहा, शाकिर लिअनअमिही, इब्राहिम अल्लाह की नेमतों के बड़े शुक्रगुजार। अल्लाह ने जब जब इब्राहिम को जो नेमत दी, इब्राहिम ने उस नेमत पर अल्लाह का शुक्र अदा किया। यहां एक सवाल पैदा होता है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जिंदगी आप पढ़िए, उसमें हमें शुक्र नहीं मिलता, उसमें सब्र मिलता है। भाई इब्राहिम को आजमाया जा रहा है, आग में डाला जा रहा है, घर से निकल रहे हैं, बाप निकाल रहा है, कौम के लोग आग में डाल रहे हैं, बच्चा पैदा हुआ, मक्का छोड़ने का हुक्म दिया जा रहा है, तो इब्राहिम के यहां तो सब्र है। लेकिन अल्लाह ने यह नहीं कहा इब्राहिम साबिर थे, अल्लाह ने कहा इब्राहिम शाकिर थे। क्यों कहा अल्लाह ने ऐसा? अल्लाह ने इब्राहिम के सब्र की तारीफ नहीं की, अल्लाह ने इब्राहिम के शुक्र की तारीफ। इसमें भी एक राज है जो अल्लाह के बड़े खास बंदे होते हैं, वो अल्लाह के इम्तिहान पर भी अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह तूने मुझे आजमाया, अरे अल्लाह ये तो तेरा कर्म है कि तूने मुझे इस लायक समझा। अल्लाह सबको नहीं आजमाता है भाई। अल्लाह के नबी की हदीस है, इन अशद्दन्नासी बलाअन अल-अंबिया, अल्लाह सबसे ज्यादा अपने नबियों को आजमाता है। एक साहबी अल्लाह के रसूल के पास आए, अल्लाह के नबी बीमार है, बुखार है आपको, फीवर है आपको। साहबी ने अल्लाह के रसूल का हाथ पकड़ा, कहा या रसूल अल्लाह, आपका बदन तो बहुत ज्यादा गर्म बना हुआ है, हरारत बहुत ज्यादा है, टेम्परेचर बहुत हाई है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जितना बुखार तुम्हें आता है उसका डबल मुझे आता है,
अल्लाह अपने नबियों को अपने और बंदों से ज्यादा आजमाता है। तो मेरे भाई, जब कारोबार चल रहा हो तब अल्हम्दुलिल्लाह कहने में कोई बहुत मुश्किल बात नहीं, जब कारोबार मंदी में आ जाए तब जुबान से अल्हम्दुलिल्लाह निकले, ये कमाल है। जब घर में सब लोग सेहतमंद हैं तब कह देना कि भाई अल्लाह का करम है, ये कमाल नहीं है। कमाल ये है, बच्चे बीमार हैं तब भी कहा जाए कि अल्लाह तेरा करम है, तेरा शुक्र है, मुझसे भी तो ज्यादा तकलीफ में है दुनिया में लोग। अल्लाह की आजमाइश पर भी शुक्र करना ये नबियों का काम है मेरे भाई, ये इब्राहिम का काम। इब्राहिम कभी मुसीबत में जुबान से कुछ कहना तो बड़ी दूर की बात है, इब्राहिम के माथे पर कभी बल नहीं आया। बाप से बात कर रहे हैं, प्यार से बात कर रहे हैं, अदब से बात कर रहे हैं। भाई आप माशाल्लाह कुरान और हदीस पर चलने वाले हैं, आपके आसपास एक बड़ी तादाद में ऐसे भी लोग हैं जो हर जुमेरात को मजारों पे जाके सजदे करते हैं, लेकिन आप उनसे नफरत नहीं करेंगे, आप उनको घृणा और नफरत की नजर से नहीं देखेंगे। उनकी मोहब्बत आपके दिल में होनी चाहिए, उनका दर्द होना चाहिए, उनकी तड़प होनी चाहिए कि अल्लाह मैं तौहीद पर हूं, अल्लाह ये भी तौहीद पर आ जाए, ये तड़प होनी चाहिए। इब्राहिम अपने बाप को समझा रहे हैं, बाप मुशरिक है, इब्राहिम के दिल में तड़प है अपने बाप के। या अबती लिमा ताबुदु मा ला यस्मउ वला युबसिरु वला युग्नी अनका शैआ, ऐ अब्बा जान आप क्यों ऐसी चीजों की इबादत करते हैं जो न देख सके न सुन सके न फायदा पहुंचा सके। या अबती इन्नी कद जानी मिनल इल्मी मालम याती का फत्तबीनी आदि का सिरातन सविया, ऐ अब्बा जान मेरे पास अल्लाह की तरफ से वो इल्म आया है जो आपके पास नहीं आया, आप मेरे पीछे पीछे चले मैं आपको सीधे रास्ते पे लेके चलूंगा। या अबती ला ताबुद शैतान इन शैतान कान लिर्रहमान असिया, ऐ अब्बा जान शैतान की इबादत न करें, शैतान की पूजा न करें, शैतान तो रहमान का नाफरमान है। बाप मुशरिक है, इब्राहिम प्यार से बात कर रहे हैं, अदब से बात कर रहे हैं, अब्बा जान कह रहे हैं। या तो बाप बेटे में अगर कभी नोक झोंक हो जाए, किसी मसले को लेके बाप बेटे में तकरार हो जाए तो बेटे की आवाज ऊंची हो जाती है, बेटे का टेंपर हाई हो जाता है, बेटा भूल जाता है कि ये मेरा बाप है। इब्राहिम ये नहीं भूले कि ये मेरा बाप है। बाप को तबलीग कर रहे हैं, तौहीद की दावत दे रहे हैं, मगर लहजा बड़ा नर्म है, बड़ा प्यार वाला है, बड़ी मोहब्बत वाला है। अच्छा पलट के बाप जवाब क्या देता है, अराग़िबुन अंता अन आलिहती या इब्राहिम, खबरदार ऐ इब्राहिम अपनी हरकत से बाज आ जा, तू क्या चाहता है, तेरे कहने से अपने माबूदों को छोड़ दे। लअर्जुमन्नक वहजुरनी मलिया, लैलम तंतही लअर्जुमन्नक वहजुरनी मलिया, अगर तू बाज नहीं आया अपनी हरकत से, अपनी तबलीग से, अपनी दावत से, पत्थरों से मार मार के खत्म कर दूंगा तुझे, निकल जा मेरी नजरों से, दूर हो जा। भाई बेटा जितना भी सब्र और तहम्मुल वाला हो, बाप अगर इस लहजे में बात करे, बाप जान से मारने की धमकी दे, बाप घर से निकलने की बात करे तो बेटे को तो गुस्सा आ जाएगा, भाई फितरी बात है। मगर इब्राहिम के अंदर एक क्वालिटी और थी, इब्राहिम हलीम थे। हलीम किसको कहते हैं, हलीम कहते हैं जिसके अंदर बर्दाश्त का मादा बहुत ज्यादा, हलीम उसको कहते हैं जो जल्दी गुस्से में ना आता हो, हलीम उसको कहते हैं जो हर एक्शन के बदले में रिएक्शन ना करता हो, जो ईंट का जवाब पत्थर से ना देता हो, जो शेर का जवाब शेर सवा शेर से ना देता हो, हलीम उसको कहते हैं जो सोच समझ के फैसला कर। अल्लाह ने कहा मेरा बंदा इब्राहिम हलीम है, बाप घर से निकाल रहा है, बाप धमकी दे रहा है, बाप बदतमीजी कर रहा है, मगर ये इब्राहिम है, कहते सलामुन अलैक
अब्बा जान कोई बात नहीं, आप सलामत रहें, आप मुझे घर से निकाल रहे हैं, कोई बात नहीं, आप मुझे अपना बेटा बेटे की मोहब्बत से महरूम कर रहे, कोई बात नहीं, मैं आपको अपना बाप मानता हूं और मैं अपने रब से दुआ करूंगा अल्लाह आपको माफ कर। ये इब्राहिम का अखलाक है, ये इब्राहिम का कैरेक्टर है। मेरे घर से निकल गए, अब कौम के सामने आए, कौम मुशरिक है, सितारे की पूजा करती है, चांद की पूजा करती है, सूरज की पूजा करती है, पत्थर के बुतों की पूजा करती है, वक्त के बादशाह को नमरूद को उसको अपना रब मानती है, उसके आगे सर झुकाती है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपनी कौम के अंदर पाए जाने वाले हर शिर्क का रद्द करते हैं। एक दिन छत पे चढ़े, कौम के लोगों को लेके चढ़े, कहा कि ये सितारा है, हाजा रब्बी, ये कहते ना ये रब है, चलो मान लिया ये रब है, लेकिन सितारा जाहिर है कि उसका एक टाइम है, सितारा नजर आया कुछ देर रहा फिर गायब हो गया। कहा भाइयों ये कैसा रब है भाई, रब तो वो होना चाहिए जो 24/7 अवेलेबल रहे। मुझे मुसीबत है, मुझे दुख है, सितारा गायब है, किसको पुकारे किसको माने भाई, रब तो वो होना चाहिए कि हम जहां पुकारे जब पुकारे वो हाजिर हो, सितारा रब नहीं हो सकता। फिर चांद निकला, कहा है मेरी कौम के लोगों चांद तुम्हारा रब है, चलो मान लिया रब है, सपोज कर लो रब है, चलो तुम्हारी बात मान लेता हूं रब है। चांद भी डूब गया, कहा ये कैसा रब है। सूरज निकला, कहा ये तो देखने में चांद से भी बड़ा है, सितारे से भी बड़ा है, तो सबसे बड़ा है, पूरी दुनिया को रोशनी दे रहा है, इसके आगे भी सर झुकाते हो ना, इसको भी अपना रब कहते हो ना। शाम आते आते सूरज ढल गया, जैसे चमका था, जैसे रोशन हुआ था, वैसे ही ढलते 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 पश्चिम में जाकर डूब गया। इब्राहिम ने ऐलान किया, इन्नी वज्जहतु वज्ही लिल्लज़ी फतरस समावाति वल अर्ज़ हनीफ़ं वमा अना मिनल मुश्रिकीन। ऐ मेरी कौम के लोगों कान खोल के सुन लो, ये सितारे रब नहीं, ये चांद रब नहीं, ये सूरज रब नहीं, रब तो वो है जिसने सूरज बनाया, जिसने चांद बनाया, जिसने आसमान बनाया, जिसने जमीन बनाई, जिसने मुझे बनाया, जिसने तुझे बनाया, जो इस पूरी कायनात का क्रिएटर है, वो तुम्हारा रब है। फिर एक दिन आए कौम के पास, पत्थर की पूजा कर रहे थे, कहा ये तुम्हारे माबूद हैं, ये तुम्हारी बिगड़ी बनाते हैं, कुछ कहते हो सुनते हैं ये। कहने लगे भाई देखो इब्राहिम बहस मत करो, ये हमारी बिगड़ी बनाते हैं कि नहीं बनाते, ये हमारी बात सुनते हैं कि नहीं सुनते, ये सब हम नहीं जानते, बाप दादा इनकी पूजा करते थे, हम भी करते। जैसे हमारे यहां एक नजरिया है, बाप दादा तीजा करते थे तो हम तीजा करेंगे, बाप दादा 40वां करते थे तो हम 40वां करेंगे। अजीब बात है भाई, आज जनाजा उठा है, आज मैयत हुई है, आज मिट्टी दी है, कल रात में वहां प्याज कतरी जा रही है, मसाला तैयार हो रहा है, बिरयानी की तैयारी हो रही है, जनाब ये क्या है, ये तीजा है, क्यों है, बाप दादा करते चले आए, नहीं करेंगे समाज में नाक कट जाए। ये बाप दादा वाला फार्मूला, ये बड़ा पुराना फार्मूला है मेरे पास। इब्राहिम की कौम कहती है कि इब्राहिम हमसे बहस मत करो, हम इतना जानते हैं हमारे बाप दादा गलत नहीं हो सकते, बाप दादा करते थे हम भी करें। इब्राहिम ने कहा सोच लो, तुम्हारे इन माबूदों की औकात बता के रहूंगा मैं तुम्हें। फिर एक दिन आया कौम के लोग मेले में, इब्राहिम से कहने लगे तुम भी चलो, बोले नहीं मैं बीमार हूं। बीमार थे नहीं, एक बहाना था, कहने का मकसद यह था मैं अंदर से कुड़ रहा हूं तुम्हारे शिर को देख के, मैं दिल से बीमार हूं। कौम को लगा कि चलो बीमार है ये नहीं जा रहे, कौम के लोग चले गए। इब्राहिम 20-22 साल का एक नौजवान,
इब्राहिम हाथ में हथौड़ी लिए अपने कौम के बुतखाने में दाखिल हुए और एक तरफ से उनके बुतों को तोड़ना शुरू किया। फराग अलैहिम दर्बम बिल यमीन, इब्राहिम ने अपने दाहिने हाथ से उन बुतों को तोड़ना शुरू किया और सारे बुतों को तोड़ के बराबर कर। आज हमारा 20-22 साल का नौजवान व्हाट्सएप और फेसबुक पर दोस्तियां कर रहा है। आज हमारे 20-22 साल के नौजवान, उनकी जिंदगी का कोई मकसद नहीं है, उनकी जिंदगी का मकसद है इंजॉय करो, उनकी जिंदगी का मकसद है मस्ती करो, उनकी जिंदगी का मकसद है सिगरेट पियो, उनकी जिंदगी का मकसद है गुटखा खाओ, शराब पियो, जिना करो, ये उनकी जिंदगी का मकसद। इब्राहिम नौजवान है 20-22 साल के, अल्लाह ने ताकत दी है बदन में, तो ताकत अल्लाह के दीन के लिए इस्तेमाल हो रही है। बुतों को तोड़ डाला मेरे भाई, बड़े वाले बुत को छोड़ दिया। कौम के लोग मेले से आए, कहने लगे भाई हमारे माबूदों का ये हाल किसने किया? तो कुछ लोगों ने कहा ये एक नौजवान का काम है जिसका नाम इब्राहिम। कब बुलाओ इब्राहिम को, कौन है वो इब्राहिम? इब्राहिम लाए गए, पूरी कौम के बीच में इब्राहिम अकेले खड़े हैं मुजरिम की हैसियत से। अंत फाल तहाजा भी आली हतीना या इब्राहिम, इब्राहिम सच सच बताओ ये काम तुम्हारा है, तुमने किया है ये? का नहीं तो इनके बड़े ने किया है, मैंने नहीं किया, इनके बड़े ने किया है। देख नहीं रहे हो सब टूट गए, बड़ा वाला मौजूद है, इसी का काम होगा, बड़े ने किया है। अब यहां बजाहिर ऐसा लग रहा है नऊज़ु बिल्लाह कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम तो झूठ बोल रहे हैं, भाई तोड़ा उन्होंने, कौम के लोग पूछ रहे हैं किसने तोड़ा, तो कह रहे हैं बड़े वाले ने तोड़ा। भाई इब्राहिम ने झूठ नहीं बोला, इसको झूठ नहीं कहते, इसको अरबी में तौरिया कहते हैं, उर्दू में चकमा देना कहते हैं। इब्राहिम चकमा दे रहे थे, इब्राहिम अगर यह कह देते कि मैंने तोड़ा है बात खत्म हो जाती, जो मकसद है इब्राहिम का वो हल ना हो। इब्राहिम कह रहे हैं बड़े ने तोड़ा है, यानी इनकी क्या औकात है, इनसे बड़ा मैं हूं, मैंने तोड़ा है, दिल में यह मुराद ले रहे हैं और सामने यह बता रहे हैं भाई देखो बड़ा वाला मौजूद है, इसी ने तोड़ा होगा। कौम के लोगों ने कहा, इब्राहिम ने कहा इससे पूछ लो ये बता देगा किसने तोड़ा है, बड़े वाले से पूछ लो। कौम के लोगों ने कहा इब्राहिम तुम जानते हो ये बोल नहीं सकते, किससे पूछे कैसे ये बात करे तब तो हम इनसे पूछे, ये बोल नहीं सकते। हजरत इब्राहिम ने कहा उफ्फिल लकुम वलिमा ताबुदून मिन दूनिल्लाह, अफसोस है तुम्हारे ऊपर भी और तुम्हारे माबूदों के, जो तुम्हारी बात सुन नहीं सकता, बात कर नहीं सकता, वो तुम्हारा माबूद है, वो मुश्किल कुशा है, वो मुसीबतों को दूर करने वाला है। दो मिनट के लिए कौम के लोगों को अकल आई, फिर फौरन कहने लगे नहीं नहीं ये हमें भड़का रहा है, हमारे माबूदों के खिलाफ हमें गुमराह कर रहा है, हर रिकू हो इसको जला डालो। और आप मेरे भाइयों यकीन करें कि इब्राहिम को जलाने के लिए इतनी बड़ी आग तैयार की गई कि पूरा गांव और पूरा इलाका जलाया जा सकता है, एक आदमी को जलाने के लिए इतनी बड़ी आग तैयार। हालात ये थे कि इब्राहिम की कौम के अंदर कोई बच्चा बीमार होता था तो उसकी मां मन्नत मानती थी कि मेरा बच्चा ठीक हो जाएगा तो इब्राहिम को जलाने के लिए मैं इतनी लकड़ियां दूंगी। हफ्तों और महीनों की तैयारी के बाद एक बहुत बड़ी आग तैयार की और इब्राहिम को उस आग में डाला जा रहा। अल्लाह भाई इब्राहिम का मकसद उनको जहन्नम की आग से बचाना था, जो आग से बचाने आया है उसे आग में डाला जा रहा। यह दुनिया का सलूक रहा है मेरे भाई नबियों के साथ। अगर आपको कभी इस्लाम के लिए गाली दे दी जाए, तौहीद के लिए ताना दे दिया जाए, तौहीद के लिए बुरा भला कह दिया जाए तो इब्राहिम को याद कर लेना।
अल्लामा इब्ने कसीर कहते हैं कि आग में डाले जाने के पहले इब्राहिम के बदन से कपड़े उतारे गए, इब्राहिम को नंगा करके आग में डाला ताकि आग जल्दी उनको जला डाले, जल्दी से काम खत्म कर। इधर इब्राहिम को आग में डाला गया, इब्राहिम के माथे पर कोई बल नहीं, जुबान पर कोई लंबी चौड़ी दुआ नहीं है, बस एक ही जुमला है, हस्बी अल्लाह व नेमल वकील, मेरे लिए अल्लाह काफी है और अल्लाह सबसे बेहतरीन मददगार है, सबसे बेहतरीन कारसा। इधर इब्राहिम को डाला गया, उधर अल्लाह तबारक व तआला ने आग को हुक्म दिया, या नारुकूनी बर्दं व सलामन आला इब्राहिम, ऐ आग तू ठंडी हो जा और सलामती वाली हो जा इब्राहिम के लिए। अल्लाह ने यह नहीं कहा आग से कि तू ठंडी हो जा, अल्लाह ने कहा ठंडी हो करके भी तो तू मेरे इब्राहिम को तकलीफ पहुंचा सकती है, तू ठंडी हो जा और सलामती वाली हो जा मेरे बंदे इब्राहिम के लिए। तो मेरे भाइयों, ये इब्राहिम आग में डाले गए, अल्लाह का नाम लेके आग में गए और आग ने इब्राहिम के बाल के एक रोंगटे को भी नुकसान नहीं पहुंचाया। अल्लामा इकबाल कहते हैं, आज भी हो जो बराहीम सा ईमा पैदा, आग कर सकती है अंदाज़े गुलिस्तां। इब्राहिम आग से सही सलामत निकल के चले आए, लेकिन अब इब्राहिम ने यह समझ लिया कि अब इस मेरी बस्ती में मेरी बात कोई मानने वाला नहीं है, मेरे ऊपर कोई ईमान लाने वाला नहीं। इब्राहिम ने अपनी बीवी सारा से कहा, सारा चलो यहां से, नहीं रहना हमें इस शहर में, नहीं रहना इस बस्ती में, चलो हम अल्लाह का नाम लेके कहीं और चलते। हजरत सारा बहुत खूबसूरत थी, जब दोनों मियां बीवी जाने लगे तो रास्ते में एक ऐसी जगह से गुजर हुआ जहां का बादशाह बड़ा ही जालिम और बदचलन था। उसे जैसे ही पता चलता था कि मेरी सल्तनत की हुदूद में कोई जोड़ा जा रहा है, कोई मियां बीवी जा रहे हैं, शौहर को कत्ल करा देता और बीवी का रेप कर देता। दोनों इब्राहिम और सारा गिरफ्तार हो गए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को भनक लग गई कि यहां का बादशाह बड़ा जालिम है, मुझे कत्ल करवा देगा और सारा की इज्जत के साथ खिलवाड़ करेगा। हजरत इब्राहिम सारा के पास आए, कहा कि ऐ सारा, जब बादशाह तुमसे मेरे बारे में सवाल करे तो तुम ये मत कहना कि मैं तुम्हारा शौहर हूं, तुम ये कहना कि मैं तुम्हारा भाई हूं, तुम मेरी बहन हो। और ऐ सारा, इस बात के अंदर कोई झूठ भी नहीं है, इसलिए कि पूरे रुए जमीन पर सिर्फ दो लोग इस वक्त इस्लाम पर हैं, दो लोग ईमान पर, एक तुम हो एक मैं हूं, ईमान के रिश्ते के एतबार से तुम मेरी बहन हो, दुनिया में तुम मेरी बीवी हो लेकिन ईमान के रिश्ते के एतबार से तुम मेरी बहन हो। अगर तुमसे बादशाह पूछे तो तुम यही बताना कि तुम मेरी बहन हो, तुम बहन कह दोगी तो बादशाह मुझे कत्ल नहीं करवाएगा, मेरी जान बचेगी और फिर अल्लाह ने चाहा तो तुम्हारी इज्जत भी बच जाए। बहरहाल हजरत सारा को लेके जाया गया बादशाह के पास। बादशाह था ही बदचलन आवारा, जैसे ही बादशाह के पास हजरत सारा को लेके जाया गया, बुखारी के अल्फाज हैं, फकामत फतवज्जात वकामत, हजरत सारा ने वजू किया और नमाज के लिए खड़े। भाई हम लोग नमाज को मामूली चीज समझते हैं, जब इज्जत और आबरू खतरे में हो तो नमाज सहारा बनती है मेरे भाई। आज भी दुनिया में बड़े बड़े फिरौनों के नरगे में हम और आप फंसे हैं, बड़े बड़े फिरौनी कानून हम पर नाफिज किए जा रहे हैं। आज भी अगर हिंदुस्तान के 20 करोड़ मुसलमान सही मानों में नमाजी बन जाएं तो बड़े बड़े फिरौन और नमरूदों की चालें नाकाम। सारा वजू करती है और नमाज के लिए खड़ी हो जाती।
اور نماز میں کہتی ہے اللہ اگر میں تیرے اوپر ایمان رکھتی ہوں، تیرے رسول پر ایمان رکھتی ہوں، وہ احسن تو فرجی، اور اے اللہ اگر میں پاک دامن ہوں، میں نے اپنی عزت پر کبھی حرف نہیں آنے دیا، میں نے اپنی عزت پر کبھی آنچ نہیں آنے دی، اگر میں پاک دامن ہوں تو اے اللہ اس کافر کی چال کو تو ناکام۔ ایک عورت اگر اپنی عصمت کی حفاظت کرے، ایک عورت اگر پاک دامن بن جائے میرے بھائی، تو اللہ اس کی عزت کی حفاظت کرتا ہے۔ سارا نے دعا کی، بادشاہ قریب آیا، سارا کو ٹچ کرنے کی کوشش کی، حدیث کے الفاظ ہیں، بخاری کی روایت ہے، بادشاہ کا ہاتھ پتھر کی طرح اپنی جگہ جم گیا، ہاتھ ہلنا بند ہو گیا، بدن کے اندر جنبش بند ہو گئی، اسٹیچو کی طرح کھڑا ہو گیا۔ لوگ کہتے ہیں وہابی لوگ کرامت نہیں مانتے، وہابی لوگ ولیوں کو نہیں مانتے، وہابی لوگ کہانیاں نہیں مانتے، کرامت مانتے۔ یہ کرامت ہے بھائی، حضرت سارا کوئی نبی تو نہیں ہے، پیغمبر تو نہیں ہے، اللہ کی نیک بندی ہیں، یہ ان کی کرامت ہے، انہوں نے دعا کی اور اللہ نے فوراً دعا قبول۔ ہمارے ایک جملہ بولتے ہیں لوگ، اللہ کے یہاں دیر ہے اندھیر نہیں ہے۔ بھائی یہ غلط جملہ ہے، اللہ کے یہاں نہ دیر ہے نہ اندھیر ہے۔ اگر اللہ سے ہم کوئی چیز مانگ رہے ہیں اور اللہ قبول نہیں کر رہا ہے، دیر ہو رہی ہے، تو وہ دیر بھی ہماری بھلائی کے لیے ہو رہی ہے۔ اس لیے یہ مت کہا کرو اللہ کے یہاں دیر اور نہیں ہے، اللہ فوراً سنتا ہے۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میرا بندہ جب مجھے پکارتا ہے میں فوراً اپنے بندے کی دعا کو سنتا ہوں۔ سارا نے وضو کیا، نماز پڑھی اور تین چیزوں کا حوالہ دیا، اے اللہ تیرے اوپر ایمان رکھتی ہوں، تیرے رسول پر ایمان رکھتی ہوں، اور شرمگاہ کی حفاظت کرتی ہوں، عزت کی حفاظت کرتی ہوں، اے اللہ اس ظالم سے بچا لے مجھ کو۔ اللہ نے بچا لیا، پتھر کا بن گیا وہ۔ اب سارا چاہتی وہاں سے بھاگ جاتی، لیکن اس بادشاہ نے کہا اللہ سے دعا کر دو میں ٹھیک ہو جاؤں، میں تم کو کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں۔ اللہ کی نیک بندی تھی سارا، نرم دل تھی، موم جیسا دل تھا، اللہ سے دعا کیا اللہ اس کو ٹھیک کر دے۔ بادشاہ ٹھیک ہو گیا مگر نیت ٹھیک نہیں، پھر دوسری بار ہاتھ لگانے کی کوشش کی، پھر اللہ نے پتھر کا بنا دیا۔ تین بار ایسا ہوا، بادشاہ نے کہا جاؤ یہاں سے۔ جب جانے لگی تو اپنے نوکروں کو بلایا، کہا رہے تم انسان کو لے کے آئے ہو کہ شیطان کو لے کے آئے ہو، حالانکہ بادشاہ خود بہت بڑا شیطان ہے، مگر بہت سارے شیطان جو ہوتے ہیں نا وہ اپنے آپ کو فرشتہ بتاتے ہیں اور دوسروں کو شیطان بتاتے ہیں۔ کہا کہ تم لوگ میرے پاس شیطان لے کے چلے، کیسی عورت کو لے کے چلے آئے؟ اور جب سارا جانے لگی تو بادشاہ نے حاجرہ کے روپ میں ایک تحفہ ان کو دیا۔ بادشاہ کے یہاں ایک باندھی تھی جس کا نام حاجرہ تھا، اس نے کہا جاؤ یہ میری طرف سے گفٹ ہے تمہارے، ایک تحفہ ہے تمہارے۔ حضرت سارا آئی، بھائی شوہر بیچارہ لاچار تھا، شوہر کی اپنی جان خطرے میں تھی، بیوی کی عزت خطرے میں تھی۔ جب سارا پہنچی ہے، بخاری کے الفاظ ہیں، ابراہیم بھی نماز پڑھ رہے تھے، ادھر بیوی نماز پڑھ رہی ہے، ادھر شوہر نماز پڑھ رہا ہے۔ میرے بھائی جس نماز کو ہم نے سمجھا نہیں، ابراہیم نے اسے پڑھ کے بتایا، سارا نے اسے پڑھ کے بتایا کہ عزت خطرے میں ہو، جان خطرے میں ہو تو نماز بہت بڑا سہارا ہے۔ ابراہیم نماز میں ہے، سارا آ کر کے کہتی ہے کہ اے میرے سرتاج بس کیجئے، سلام پھیر دیجئے، اللہ نے آپ کی دعا سن لی، اللہ نے اس فاجر اور بچلن بادشاہ کی چال کو ناکام کر دیا، اور اللہ نے ایک تحفہ بھی ہمیں دے دیا حاجر کی شکل میں، حاجرہ کی شکل۔ بعد میں یہی حاجرہ حضرت ابراہیم کی دوسری بیوی بن گئی، ان سے نکاح ہو گیا حضرت ابراہیم، اور انہی کے بطن سے بڑی دعاؤں کے بعد اور بڑی مدت کے بعد حضرت ابراہیم کو بڑھاپے میں ایک اولاد کی نعمت ملی، اللہ نے ان کو اسماعیل سے نوازا۔ بھائی جس کے گھر میں اولاد کا، جس کے آنگن میں اولاد کا پھول نہ ہو، اس سے پوچھو کہ اولاد کیا چیز ہوتی ہے،
इब्राहिम के घर में बड़ी दुआओं के बाद, बड़ी मुद्दतों के बाद आज ये फूल खिला है, इस्माइल पैदा हुए हैं। आप सोचिए, आप तसव्वुर कीजिए, इब्राहिम कितना लाड करते होंगे अपने उस बच्चे से, कितना प्यार करते होंगे अपने उस बच्चे से। हम उसे सपोज नहीं कर सकते, उसे तसव्वुर नहीं कर सकते। अल्लाह ने देखा मेरा बंदा कुछ ज्यादा ही अपने बच्चे से प्यार कर। अब इस बंदे का एक और इम्तिहान लेना है। अल्लाह ने कहा इब्राहिम एक काम करो, अपनी बीवी हाजरा और अपने इस बच्चे इस्माइल को यहां से सैकड़ों किलोमीटर दूर लेके जाओ मक्का, और मक्का में एक जगह है जहां खाने काबा आज मौजूद है, का वहीं जाके छोड़ दो। भाई वो जमाना सफर का जमाना, मुशक्कतों का जमाना था। इब्राहिम अपनी बीवी और बच्चे को लेकर के अल्लाह के हुक्म पर सफर पे निकले, पहुंचे मक्का। वो मक्का आज का मक्का नहीं था, दूर दूर तक कोई आबादी नहीं, पानी का कोई कतरा नहीं, अनाज का कोई दाना नहीं, इंसान का कोई निशान नहीं। वहां पहुंचे, बीवी को बच्चे को छोड़ा, थोड़ा सा मशकेजे में पानी था, चंद खजूरें थी, ये दिया और वापस जाने लगे। हाजरा ने पूछा कहां जा रहे हैं, यहां किसके हवाले छोड़ के जा रहे हैं? अरे मुझसे नहीं, अपने बच्चे की के बारे में सोचिए, कहां छोड़ के जा रहे हैं? इब्राहिम ने कोई जवाब नहीं दिया। हाजरा ने कहा अल्लाहु अमरका बिहाजा, क्या ये अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह का इम्तिहान है, अल्लाह का हुक्म है? कहा कि हां अल्लाह, अल्लाह इम्तिहान ले रहा है, अल्लाह ने हुक्म दिया है, बीवी और बच्चे को छोड़ के आ जा। मेरी माए बहने अगर सुन रही है तो सुने। लोग कहते हैं औरत कमजोर होती है, लोग कहते हैं औरत की अकल कम होती है, औरत जज्बाती होती है। मेरे भाई, औरत के अंदर ईमान पैदा हो जाए तो औरत मरियम होती है, औरत के अंदर ईमान पैदा हो जाए तो औरत हाजरा होती है, औरत के अंदर इफ्फत पैदा हो जाए तो औरत फातिमा होती है। हाजरा ने जो जवाब दिया था सोने के हुरूफ से लिखे जाने के काबिल। शौहर ने बस इतना कहा कि हाजरा ये अल्लाह का हुक्म है। बीवी कहती है, हाजरा कहती है, इज़न ला युज़य्युन अल्लाहु अबदा, मेरे सरताज आप चले जाइए, अल्लाह हमें बर्बाद नहीं करेगा, अल्लाह हमें बर्बाद नहीं करेगा, अल्लाह का हुक्म है ना। इस औरत को यकीन है अपने रब के ऊपर, मुझे इस मां को यकीन है अपने रब के ऊपर, ये मां और बच्चे दोनों का इंतजाम करेगा, आप जाइए यहां से। इब्राहिम चले वहां से, चलते 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 जब बीवी और बच्चे नजर से ओझल हो गए तो हाथ उठाया और दुआ की, और दुआ कितनी प्यारी की, अल्लाह औलाद की फिक्र मेरे भाइयों सिर्फ यही नहीं है, औलाद के लिए प्रॉपर्टी बना दो, औलाद की फिक्र सिर्फ यही नहीं है, उनको कारोबार लगा के दे दो, औलाद की दुनिया से पहले उनकी आखिरत की फिक्र करो। इब्राहिम अपने हाथ उठा के दुआ करते हैं, रब्बना इन्नी अस्कंतु मिन ज़ुर्रियती बिवादिन ग़ैर ज़ी ज़रअइन 'इंद बैतिकल मुहर्रम रब्बना लियुक़ीमुस्सलाह, परवरदिगार तेरे हुक्म पर अपनी औलाद को इस बेआबो गया सरजमीन पे छोड़ के जा रहा हूं, रब्बना लियुक़ीमुस्सलाह, आए अल्लाह अगर मेरी औलाद जिंदा बचे, अगर मेरी नस्ल बाकी बचे तो तू एक बात की तौफीक दे, यहां नमाज कायम होती रहे, यहां तेरा नाम लिया जाता रहे, वरज़ुक़हुम मिनस समरात, और अल्लाह मेरी आने वाली नस्ल को, मेरी औलाद को फलों की रोजी अता फरमा, उनको फल मिले, उनको रोजी रोटी की कोई दिक्कत ना आए, वजअल अफ़ईदतम मिनन्नास तहवी इलैहिम, और अल्लाह इस जगह को ऐसा प्यारा बना दे, इस जगह के अंदर ऐसा अट्रैक्शन पैदा कर दे, ऐसा आकर्षण पैदा कर दे, ऐसी कशिश पैदा कर दे कि सबके दिलों में इस जगह की मोहब्बत पैदा हो जाए। आज कौन सा मुसलमान ऐसा है जिसके दिल में
اس مکہ شہر جانے کی حسرت نہیں ہے، اس خانہ کعبہ کو دیکھنے کی حسرت نہیں ہے۔ میرے بھائی، بڑے بڑے گنہگاروں کو دیکھا، بڑے بڑے خطا کاروں کو دیکھا، بڑے بڑے سیاہ کاروں کو دیکھا، کہ اس خانہ کعبہ کو جب دیکھا انہوں نے تو آنکھوں سے آنسوؤں کی ایسی جھڑی لگ گئی کہ آنسو رکنے کا نام نہیں لیتے۔ اللہ نے اس گھر کے ساتھ ایسی عقیدت کا رشتہ جوڑ دیا، ایسی محبت کا رشتہ جوڑ دیا کہ قیامت تک جہاں ایمان والے ہیں اس گھر سے اور اس جگہ سے محبت کرتے ہیں۔ میرے بھائی، یہ ابراہیم کی دعا تھی۔ ابراہیم چھوڑ کے چلے گئے، لمبا واقعہ ہے۔ زمزم کا انتظام ہوا، آبادی کا انتظام ہوا، اسماعیل بڑے ہوئے، پلے بڑھے، جوان ہوئے، باپ کی محبت نہیں ملی، باپ رہتے ہیں فلسطین میں، ماں نے پالا، ماں نے پوسا، ماں نے تربیت کی، ماں نے تعلیم دی، ماں نے سکھایا، ماں نے پڑھایا۔ ابراہیم بیچ بیچ میں اپنے بچے سے ملنے کبھی کبھی آتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے فلما بلغ معه السعی، بوڑھے اسماعیل کے کندھے کو سہارا دینے کے لائق اسماعیل ہو گئے، باپ کا ساتھ دینے کے قابل ہو گئے۔ اب اللہ تعالی نے ابراہیم کی زندگی کا سب سے بڑا امتحان، اور یہ امتحان بھی اللہ تعالی نے عجیب طریقے سے، اللہ نے ڈائریکٹ ابراہیم سے نہیں کہا کہ جاؤ اپنے بچے کو ذبح کرو، اللہ نے ابراہیم کو خواب میں دکھایا۔ ابراہیم نبی تھے، ان کو پتا تھا کہ مجھے خواب میں جو نظر آتا ہے وہ سچ ہوتا ہے، اگر مجھے خواب میں نظر آ رہا ہے میں اپنے بچے کو ذبح کر رہا ہوں، اس کا مطلب کہ ایک اور امتحان میری زندگی کا آ گیا۔ ابراہیم فلسطین سے چل کے مکہ آئے، اپنے جوان بیٹے اسماعیل سے ملے اور کہا یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى۔ جوان بیٹا ہے، ہمارے یہاں بیٹے جوان ہو جائے تو مائیں بابو کہنا بند کر دیتی ہیں، بچوا کہنا بند کر دیتی ہیں، بچہ چھوٹا رہتا ہے مائیں بابو کہتی ہیں، لال کہتی ہیں، منا کہتی ہیں، بچہ بڑا ہو جائے ماں اور باپ نام لیتے ہیں۔ لوگوں کو لگتا ہے بھائی بچہ بڑا ہو گیا اب اچھا نہیں لگتا اس کو بابو کہتے ہوئے، اب اس کو اچھا نہیں لگتا بچہ کہتے۔ اسماعیل بڑے ہو گئے، جوان ہو گئے، ابراہیم کے کندھے کے برابر ہو گئے، مگر ابراہیم اپنے بچے سے کہتے یا بنیا، اے میرے بچے، اے میرے بچے، میں نے خواب دیکھا ہے، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تو بتا تیری کیا رائے۔ آج کا کوئی جذباتی نوجوان ہوتا تو پہلے تو اپنے باپ کے سامنے شکایتوں کا پٹارا لے کے بیٹھ جاتا کہ ارے جائیے، بڑے آئے باپ بننے، چھوڑ کے چلے گئے میری ماں کو اور مجھے، کبھی حال چال نہیں لی، کبھی خبر نہیں لی، آج میں جوان ہو گیا تو آپ یہ حکم لے کر آئے ہیں کہ مجھ کو ذبح کر دیں۔ مگر وہ بچہ اسماعیل تھا، وہ ہاجرہ کی پرورش والا بچہ تھا، اسے ہاجرہ نے دودھ پلایا تھا، وہ ہاجرہ کی گود میں پلا تھا۔ اس بچے نے کیا جواب دیا ہے؟ میرے بھائی، ہم ابراہیم کی قربانی کو یاد کرتے ہیں، ہم اسماعیل کی قربانی کیوں یاد نہیں کرتے؟ بچہ کہتا ہے یا ابتی فعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، ابا جان آپ کو جو حکم ملا ہے آپ کر ڈالیں، اگر اللہ نے چاہ، میرا کمال نہیں ہے، میری خوبی نہیں ہے، میں اپنی بڑائی نہیں، اگر اللہ نے چاہا، میں اپنی گارنٹی نہیں دیتا، لیکن اگر اللہ نے چاہا میں اس آزمائش پر صبر کر لوں گا ابا جان، میں تیار ہوں، میں اس امتحان پہ کھڑا اتر جاؤں گا ابا جان اگر اللہ نے چاہا۔ باپ جان سے مارنے کی بات کر رہا ہے، باپ ذبح کرنے کی بات کر رہا ہے، بیٹا ابا جان کہہ کے بات کر رہا ہے، اور بیٹا کہہ رہا ہے ابا جان میں صبر کروں۔ علامہ اقبال کہتے ہیں یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، یہ کون سے مدرسے کا کمال تھا، یہ کون سے اسکول کا کمال تھا، یہ کون سے ٹیچنگ کا کمال تھا، یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی،
سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی، اسماعیل کو یہ بات کرنے کا طریقہ، یہ باپ کی محبت، یہ اسلوب، یہ انداز ماں نے سکھایا ہے۔ میرے بھائیوں، آج ہمارے سماج میں حاجرہ کے جیسی مائیں نہیں ہیں، آج ابراہیم کے جیسے باپ نہیں۔ قرآن کہتا ہے فلما اسلما، جب دونوں باپ بیٹے تیار ہو گئے، اللہ کی راہ میں قربانی کے لیے دونوں باپ بیٹے تیار ہو گئے، اسلام لے آئے، فلما اسلما دے ہیو سرینڈرڈ، دے ہیو سبمیٹڈ، دونوں تیار ہو گئے کہ ہاں اللہ کا حکومت ماننا ہے۔ وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اور باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹایا، پیشانی کے بل لٹایا تاکہ باپ اور بیٹے کی نظریں نہ ملے، یا بعض اہل علم نے تفسیر کی ہے وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، باپ نے بیٹے کو کروٹ کے بل لٹایا، جیسے ہم لوگ اپنے جانور کو کروٹ کے بل لٹاتے ہیں۔ باپ نے چھری لی ہے ہاتھ، بھئی آج کمزور دل اور دماغ کا آدمی تو بکرے کی گردن پہ بھی چھری چلانے میں کانپ جاتا ہے، بکرا تو جانور ہے نا، جانور کی گردن پہ چھری چلانے میں آدمی کانپ جاتا ہے۔ اپنے سگے بیٹے، اپنے اکلوتے بیٹے، اپنے چہیتے بیٹے کی گردن پہ ابراہیم کیسے چھری لے کے بڑے ہوں گے؟ میرے بھائی، ابراہیم نے چھری لی، بیٹا لیٹا ہوا ہے، ابراہیم نے اپنے بیٹے کی گردن پہ چھری چلا دی، مگر اللہ کو اسماعیل کا خون نہیں بہانا تھا۔ اللہ کبھی اگر ہمیں آزماتا ہے میرے بھائی، ہمارا نقصان کرنے کے لیے نہیں آزماتا ہے۔ بھائی ہم تو مومن لوگ ہیں، ایمان والے لوگ ہیں، اللہ کے نبی کہتے ہیں مومن کو کانٹا بھی چکھتا ہے تو اللہ کوئی گناہ معاف کرتا ہے، کوئی نیکی قبول کرتا ہے، کوئی درجہ بلند کرتا ہے۔ ہمیں لگتا ہے ہمیں کانٹا چبا، ہمیں لگتا ہے ہمیں چوٹ لگی، ہمارا نقصان ہوا۔ بھائی ہمیں نقصان لگتا ہے، اللہ فائدہ کرا رہا ہے۔ اللہ کبھی بھی ہمارا امتحان ہمارا نقصان کرنے کے لیے نہیں لیتا ہے۔ اللہ کو اسماعیل کا خون نہیں بہانا تھا، اللہ نے اسماعیل کو بچا لیا، اور ابراہیم کی جو چھری چلی ہے انہوں نے دیکھا کہ دمبے پر چل گئی۔ اللہ نے کہا یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، ابراہیم بس واقعی میں تم میرے پکے بندے ہو، میرے مومن بندے ہو، تم نے اپنا خواب سچ کر دکھایا۔ ان ھذا لہو البلاء المبین، واقعی میں بہت بڑا امتحان ہم نے لیا ہے ابراہیم۔ میرے بھائیوں، ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو آج پڑھنے کی ضرورت تھی، سمجھنے کی ضرورت ہے۔ قرآن میں اللہ بار بار ہم سے کہتا ہے میرے نبی کی پیروی کرو، میرے نبی کے طریقے پر چلو، اور اللہ اپنے نبی سے کہتا ہے واتبع ملت ابراہیم، اے میرے نبی محمد ابراہیم کے طریقے پر چلو۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب کے لیے نمونہ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ابراہیم نمونہ ہے۔ میرے بھائی، یہ ابراہیم کا مقام ہے۔ آج دنیا میں مسلمان تو ابراہیم سے محبت کرتے ہی کرتے ہیں، عیسائی اور یہودی بھی ان کو اپنا بڑا مانتے ہیں۔ آج دنیا میں حضرت ابراہیم کے بعد جتنے نبی آئے، جتنے رسول آئے، سب انہی کی نسل سے آئے، یہاں تک کہ اس دنیا میں جو آخری نبی آئے، آخری رسول آئے، وہ بھی ابراہیم کی ہی نسل سے آئے، وہ اسماعیل کی اولاد میں سے آئے۔ ابراہیم نبیوں کے باپ ہیں، ابراہیم رسولوں کے باپ ہیں۔ میرے پیارے بھائیو، ابراہیم کی سیرت کو آج سمجھنے کی اور اس سیرت کے جو اسباق اور نصیحتیں ہیں اس کو اپنی زندگی میں لانے کی ضرورت ہے۔ پروردگار سے دعا ہے اے الٰہ العالمین، ہمیں سیرت ابراہیمی کو سمجھنے کی اور سیرت ابراہیمی میں جو نصیحت آموز پہلو ہیں ان کو اپنی زندگی میں لانے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار ہماری قربانیوں کو قبول فرما۔ پروردگار ہم میں سے وہ لوگ جو کمزور ہیں، قربانی کرنا چاہتے ہیں، قربانی کی طاقت نہیں ہے، پروردگار ان کو بھی ایسے اسباب مہیا فرما، ایسے وسائل مہیا فرما، ان کے گھر میں بھی خوشیاں آئیں، ان کے گھر میں بھی قربانی ہوں۔ اللہ سب کو اس خوشیوں کے تہوار میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، جو روزی روٹی سے کاروبار سے پریشان ہیں پروردگار ان کو حلال روزی عطا فرما، ان کے کاروبار میں برکت عطا فرما۔ پروردگار ظالموں کے ظلم سے، شریروں کے شر سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ، ہمارے اس ملک ہندوستان کو فرقہ پرستوں سے بچا لے، ظالموں سے بچا لے، بانٹنے والوں سے بچا لے، نفرت کی آگ لگانے والوں سے بچا لے۔
परवरदिगार जब तक दुनिया में जिंदा रहें इस्लाम पर जिंदा रहें और खात्मा हमारा ईमान पर हो, आमीन। व आखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।